मेरा चैनल, मैं हूँ प्रियंका। कैसे आप सब? आज जो मैं मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ वो है पिंक कट क्रीज मेकअप लुक। आई थिंक सो मेरे अभी तक चैनल पे ऐसा कुछ आया नहीं, मैं भी ये फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, मेरा ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक गेट स्टार्टेड। तो मैंने यहाँ पे अपना स्किन केयर पहले ही कर लिया है और तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पहला प्राइमर से। तो प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पे ये इनसाइड का 3-in-1 प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं अपने डार्क सर्कल्स और डार्क स्पॉट्स को हाइड करने के लिए ऑरेंज कलर करेक्टर यूज करूंगी। यहाँ पे मेरा ऑरेंज कलर करेक्टर लगा के हो गया और जहाँ जहाँ मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर लगाया वहाँ पे मैं ये सेम कंसीलर लगाऊंगी मेरे स्किन टोन का। कंसीलर लगा के हो गया है तो मैं फाउंडेशन लगाऊंगी। फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे ये वेट एंड वाइल्ड की फाउंडेशन ली है। पहले मैं थोड़ा थोड़ा ही लगाऊंगी। फाउंडेशन लगा के हो गया है तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे कंसीलर लगा लूंगी मेरे हाई पॉइंट्स पे। ज्यादा नहीं लगाऊंगी मैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा ब्राइट है। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा कंटूर कर लूंगी। कंटूर के लिए मैं वो सेम कंसीलर का पैलेट लूंगी, उसमें से ब्राउन वाला लूंगी। ज्यादा नहीं करूंगी, बस थोड़ा थोड़ा करूंगी। यहाँ पे मेरा कंटूर हो गया है तो मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट से सेट कर लूंगी। मुझे ब्रश से नहीं होता है, मैं स्पॉन्ज से कर देती हूँ। तो जब तक ये सेट हो रहा है तब तक मैं आईब्रो फिल कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे ब्राउन शेड लिया है क्योंकि मेरे आईब्रोज पे ब्राउन शेड ही जाता है, ब्लैक वो बहुत ओवर दिखता है इसके। तो यहाँ पे मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट करती हूँ। उसके लिए मैंने ये पिंक लिया है, मेरा जो ब्लश का ये पिंक है, ये सेम मेरे ड्रेस को जा रहा था इसके लिए। Thank you.
वैसा ही पिंक मिल गया है। अभी नेक्स्ट मैं यहाँ पे कट क्रीज करूंगी। कट क्रीज के लिए मुझे मैंने एक चीज लिया था, एक्चुअली मुझसे प्रॉपर कट क्रीज ड्रॉ नहीं होता है, तो उसके लिए मैंने ये 1 रुपीज का कॉइन लिया है। एक हैक है, मैंने कहीं देखा था और मैंने इसे ट्राई भी किया था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो इसलिए मैं ये यहाँ पे ऐसा कंसीलर लगा लूँगी। और इसे मैं अपना आइज की तरफ प्लेस कर दूँगी। नेक्स्ट मैं एक फ्लैट ब्रश लूंगी और जितना कंसीलर लगाया ना वही यूज करूंगी, एक्स्ट्रा कोई कंसीलर नहीं लगाऊंगी मैं। मेरा यहाँ पे ये कट क्रीज करके हो गया है, तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे ये ब्यूटी ग्लेस का आई शेडो लूंगी। इसमें से क्रोमिक करके एक ये शेड है जो मेरे ड्रेस में, ये गोल्डन पैटर्न है ना, ओके हाँ ये इधर है सलवार में है तो उसमें जाएगा। इसके लिए ये जहाँ मैंने कट क्रीज किया है वहाँ पे लगा लूँगी। सेम मैं वो पिंक लूँगी और इसको थोड़ा सा इधर से ब्लेंड कर लूँगी कि वो एकदम हार्श ना दिखे। नेक्स्ट मैं आईलाइनर लगा लूंगी। यहाँ पे मैंने ये इनसाइड का आईलाइनर लिया है। मैंने यहाँ पे आईलाइनर लगा लिया है, मैंने बहुत पतला सा आईलाइनर लगाया। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ये व्हाइट काजल लगाऊंगी। नेक्स्ट मैं मस्करा यूज करूंगी। मैं आईलैशेस लगाऊंगी पर वो लास्ट में लगाऊंगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ब्लश लगाऊंगी। ब्लश के लिए मैंने ये SFR का कंटूर पैलेट लिया है। यहाँ पे मैं अपना मेकअप फिक्स कर लूंगी मेकअप फिक्सर से। मैंने यहाँ में ये हुडा ब्यूटी का लिपस्टिक यूज कर रही हूँ, बहुत पुराना लिपस्टिक है मेरा। नेक्स्ट मैं हाइलाइटर लगाऊंगी। हाइलाइटर के लिए मैंने सेम पैलेट लिया है, ये मेरा फेवरेट हाइलाइटर है इसके लिए। और मैंने जो ब्रश यूज किया है वो रियल टेक्निक्स का ब्रश है। अब बारी है लैशेस के। अच्छे से मैं इसे ग्लू लगा दूंगी और 2 मिनट के लिए इसको छोड़ दूंगी ऐसे। एक्चुअली तुरंत ग्लू लगा के हम लोग लगाएंगे ना तो नहीं बैठता, तो इसको थोड़ा सा एटलीस्ट 2 सेकेंड का टाइम देने का। यहाँ पे मेरा ये मेकअप लुक कंप्लीट होता है। आप लोगों को मेरा मेकअप लुक कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड आजकल फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है तो उस पर भी आप ये ट्राई कर सकते हैं। And thank you so much for watching my video.